हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। कहीं मैं ये कहना भूल तो नहीं गई? बिल्कुल नहीं। हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसा कि मेरे व्लॉग्स चल रहे थे, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स, मैं डायरेक्टली वो भी एक व्लॉग बना के पोस्ट कर सकती थी, बट फर्स्टली आई वॉन्ट यू गाइज टू नो वेयर आई वॉज, वाई माई व्लॉग्स वरंट कमिंग, एंड इतना गैप क्यों आया, क्या हुआ। सो मैं चाहती थी मैं आपको पहले ये बताऊँ और आपसे वापस कनेक्ट कर पाऊँ जैसे पहले से थी। फाइनली इसी बीच, जब मैं इतना टाइम गायब रही, उसी बीच 1K सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। सो वो भी जब 999, आई वॉज वॉचिंग वन डे, इट वॉज शोइंग 999, सो आई टुक दैट स्क्रीन शॉट कि मैं ये लेके रखती हूँ, अभी 1K होने वाला है। एंड येस, फिर फाइनली 1K हुए। आई नो बहुत टाइम लगा 1K होने में, और बट फाइनली हो गए। सो ऑल इज़ वेल दैट एंड इज़ वेल। सो 1K हो गए, जो एक YouTube क्राइटेरिया होता है वो पूरा होता है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इतने टाइम से वेयर आई वॉज और मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे थे, मैं कहाँ गुम थी, मैं कहाँ गायब थी। बट हाँ, कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे ना, बीच बीच में मुझे उठा रहे थे रियली में। सो वो कमेंट्स मुझे जगा रहे थे और एक अलग मोटिवेशन दे रहे थे मुझे कि, और मुझे फील हो रहा था इतने टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। बट पहले मुझे बताना था आपको कि मैं कहाँ थी इतने टाइम से, 3 to 4 months आई गेस इतना ब्रेक लिया मैंने। वो क्यों लिया? बिकॉज मेरे हेड पे एक इंजरी हो गई थी, मेरे हेड पे बैक एरिया पे मुझे चोट आ गई थी, मुझे चोट लग गई थी गिरने से। तो वो हेड में जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे बहुत बड़ा कट आया, उस कट आने से फिर स्टिचेस आए, वो वहाँ से वो हेयर पार्ट जो हेयर्स थे वो रिमूव करके वहाँ पे 14 स्टिचेस आए। सो आई वॉज अनेबल टू डू ब्लॉगिंग इन दैट डेज, एंड रिकवरी बहुत ग्रेजुअली हुई। सो मुझे काफ़ी टाइम लगा कम बैक करने में, एंड अगर कुछ कुछ बीच में शूट कर रही थी मैं, बट आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन एडिटिंग बिकॉज शूट टेक एटलीस्ट 2 hours और मोर देन दैट, एंड एडिटिंग टेक्स एटलीस्ट 8 to 10 hours। पहले क्या आना चाहिए, बीच में क्या लगाना है, म्यूजिक सेटअप, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, एंड इट टेक्स 8 to 10 hours। सो आई वॉज अनएबल टू फोकस ऑन एडिटिंग, सिटिंग विद माई मोबाइल विद कंटिन्यूसली और विद गैप ऑफ टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अगर गैप ले लेके भी थोड़ा थोड़ा करके भी एडिटिंग करूँ, बट वॉजंट पॉसिबल फॉर मी एट ऑल बिकॉज जो हेड इंजरी थी, आई शेयर द पिक्चर्स विद यू, उससे क्या प्रॉब्लम हुआ, जो हेड, ये तो जो हुआ हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट, ये जो मेरा नेक एरिया है, ऑलरेडी सम ऑफ यू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम जॉइंट्स पेन, ये पार्ट है ये, दिस नेक एरिया एंड सेम ऑन बैक साइड, ये पार्ट पे बहुत ज़्यादा झटका आया, स्टेन आया। I was not able to change my clothes in that days because this area I was not able to move or I can't touch. Doctor has given me ointment to apply this area and back area, but I was like, कोई मेरे पास भी ना आए, कोई मेरे से बात भी ना करे, मुझे बस ऐसे छोड़। And उससे just पहले ही, कुछ दिन पहले मैंने job भी join कर ली थी एज अकाउंटेंट इन जर्नल ट्रेडिंग कंपनी। सो मैंने वो ज्वाइन ही किया था, एंड कुछ दिन बाद ही मैं चोट लगी तो मुझे वहाँ से भी कुछ छुट्टी लेनी पड़ी है। दे आर सो गुड कि उन्होंने मुझे वो टाइम पीरियड दिया कि आप ठीक होके ऑफिस ज्वाइन करें। मैंने ऑफिस ज्वाइन तो जल्दी कर लिया था, वो करना ही था बिकॉज एक तो न्यू जॉब थी एंड वहाँ पर कोई नहीं था, तो उनको भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। जैसे ही मेरा पेन सेटल हुआ मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, बट फॉर ब्लॉगिंग इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। यही चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, ताकि मैं ये बात बता के आपसे फिर आगे अपने व्लॉग्स कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड व्लॉग्स जो हैं आएंगे वीकली, फॉर श्योर आएंगे। एंड जो मैंने एक व्लॉग बनाया था, माय लास्ट व्लॉग, दैट वाजंट माय लास्ट व्लॉग, बट जब मैंने वो व्लॉग बनाया था मैंने उसमें ये भी बोला था कि आई विल ट्राई कि मैं कुछ टाइम बाद डेली व्लॉगिंग पे आ जाऊँगी, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जो मकसद था, बिकॉज आई लाइक टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा और ऑफकोर्स येस फॉर साइड इनकम।
बट लेटर ऑन आई रियलाइज जब मुझे 4 to 6 months हो गए दैट वॉज ओनली 94 सब्सक्राइबर, वो भी जो बोल बोल के करवाए हुए थे उनमें से. फिर 500 तक पहुँचा, वो भी कुछ आई डोंट खींचतान के कैसे भी पहुँचा. तब भी 8 months 1 year होने वाला था तो आई वॉज ऑन 500 सब्सक्राइबर्स. देन आई वॉज डिसाइडेड आई शुड चेंज माई कॉन्टेंट बिकॉज मैं ये बना रही हूँ, नो बडी इज़ नोटिसिंग मी, सो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो लोगों के काम आए, क्योंकि मैं टाइम तो लगा ही रही हूँ, आई एम पेइंग माई टाइम, सो बेटर मैं उस टाइम को उस जगह पे करूँ जो लोगों के काम आए. उस टाइम मेरे दिमाग से निकल गया था अर्निंग करनी है यूट्यूब से, या कितना मैं बना पाऊंगी, कितने व्लॉग्स मैं बना पाऊंगी और क्या क्या कंटेंट होगा, वो चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई थी. बट आई डिसाइडेड दैट आई मेक ओनली इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स. तभी मैंने वो वीडियो डाला था जस्ट टू इन्फॉर्म यू. बट नाउ ऑल्सो आई डिसाइडेड ओनली इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आई विल मेक टू हेल्प यू गाइज. अगर एक वीडियो आपके 1% भी काम आ जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है. सो बस मुझे आपसे ये चीज़ें शेयर करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम बैक कर रही हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन तो बनती है कि मैं कहाँ गुम थी और इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं आ पाए. सो अभी नाउ आई एम मच मच बेटर. बहुत टाइम लगा रिकवरी में बट हेड और आइज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी उस टाइम, क्योंकि यहाँ की चोट यहाँ से आइज़ तक पूरा इफेक्ट कर रही थी. आइज़ भी आधी खुलती थी उस टाइम पर मेरी, तो इसलिए मैं कैमरा के आगे बैठ के इतनी देर बात करना नहीं कर पाई और एडिटिंग तो वॉज नॉट पॉसिबल. इसलिए नाउ आई कम बैक. देयर इज अ सेइंग आल्सो इट्स नेवर टू लेट. आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही हो, आई होप. एंड प्लीज़ आप सब वापस से कनेक्ट होइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने ब्लॉग्स हैं इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा. एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से आई लव माई चैनल. आई विल नेवर स्टॉप व्लॉगिंग्स until and unless any emergencies, जैसे कि अभी आई और इतना टाइम मुझे ब्रेक लेना पड़ा. सो आई लव ब्लॉगिंग एंड आई ट्राई टू मेक बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोज फॉर यू और जो आपकी हेल्प हो पाए. यहाँ पे जो आए दिन चेंजेस होते रहते हैं उनके ऊपर, या फिर हम कहीं भी जाते हैं, कहीं विजिट करते हैं, वो चीज़ें. सो आई डेफिनेटली शेयर विद यू सून. एंड येस अगेन आई विल से आई विल मेक ओनली इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स. डेली व्लॉगिंग इज नॉट एन गुड आइडिया. एंड जब मैंने वो व्लॉग डाला था कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊँगी, तब मेरे चैनल पे करीब 369 वीडियोज़ थे. सो मैंने उसमें से काफ़ी वीडियो डिलीट कर चुकी हूँ और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी कोई चैनल पे विजिट करे तो उनको सिर्फ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स का ही लिस्ट मिले, उनके लिए भी बेटर रहेगा. एंड अभी आप देखेंगे तो बहुत कम वीडियोस रह गए हैं. सो आई शेयर दैट टू विद दिस वीडियो. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ. स्टे ट्यून्ड टिल देन. टेक केयर. गुड बाय. एंड हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए.